गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज की क्लास में आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ओके। गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग पटेल, गुड इवनिंग विशाल, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग नॉमेनक्लेचर देखे हैं, नॉमेनक्लेचर देखे थे, किस तरह से नामकरण करते थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल करवाते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा NiCOO4, अगर इसका लिखना है तो क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते कि बाहर में कोई मेटल है या नहीं, कोई धातु है या नहीं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट चले जाएंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो कहाँ जाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जाएंगे। और ये सबसे पहले लिगेंड को देखेंगे, लिगेंड एक ही प्रकार के हैं या एक से अधिक प्रकार के हैं। अगर लिगेंड एक प्रकार के है तब उसका नेमिंग अलग लिखेंगे, अगर लिगेंड अलग अलग है तब उसका नेमिंग अलग करेंगे। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा अगर है तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, अगर एक ही प्रकार के लिगेंड है तब हम क्या करते हैं, सिर्फ इस संख्या के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं। जैसे इस संख्या के लिए हम लोग वर्ड यूज किए थे, संख्या दर्शाने के लिए वर्ड यूज करते थे, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छः के लिए हेक्सा, ये वर्ड हम लोग यूज किए थे। अगर एक ही प्रकार के लिगेंड है तब हम वर्ड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए CO एक ही प्रकार के हैं और यहाँ संख्या चार है, तब इसके लिए हम लोग टेट्रा शब्द यूज करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले टेट्रा लिखेंगे, ठीक है, टेट्रा। अब देखिए CO है तो ये CO है तो ये आपका लिगेंड की तरफ बिहेव करेगा, तब इसको कार्बोनाइल कहते हैं, नाइल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। ये दो चीजें लिख लिए, मतलब लिगेंड का नाम लिख लिए। अब इसके बाद किसका नाम लिखना होता है तो देखते हैं कि आपका केंद्रीय धातु का नाम लिखना। तो देख केंद्रीय धातु को नाम लिखने से पहले ये चेक कर लेना है कि स्क्वायर ब्रैकेट पर किस प्रकार के आवेश है। अगर मेरा स्क्वायर ब्रैकेट अगर धनायन है और उदासीन है तब इसके नाम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट पर ऋणायन आता है
तब इसके नाम में बदलाव होगा। नाम में बदलाव कैसे होता है, लास्ट में शब्द में एट शब्द जोड़ते हैं। कौन से शब्द जोड़ना होता है, एट शब्द जोड़ना होता है। कब, जब ये रिनायन होता तब, यहाँ पर कोई एक रिनायन चार्ज होता तब हम इसको नाम में, धातु के नाम में एट शब्द जोड़ते हैं। अगर नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो नाम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो नहीं है तो हम निकेल लिखेंगे, इसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए NiCO कहोल 4 है, अब इसको निकालना है तब X लेके चलेंगे। ये देखिए किस तरह के लिगेंड है, तो एक उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, तब इसके लिए जीरो देंगे और यहाँ पर चार से गुना करेंगे और कुछ नहीं है तो बराबर में जीरो, एक्स बराबर पूरा जीरो होगा, तब यहाँ पर ये जीरो दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग करते हैं। ये आपके पिछले क्लास में लास्ट ये हुआ था पॉइंट, क्लियर, ये सभी को क्लियर है ना। ठीक है, चलिए ये आपका पिछले क्लास का रिवीजन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जो क्लास है। आज के जो क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेरिज्म देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आपको, आज राइटिंग फ्रेश कर दिए हैं आपके लिए, मेहनत थोड़ा सा किए और सब अरेंजमेंट सही कर दिए हैं, ये आपके लिए हम किए हैं इतना मेहनत। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक कंटिन्यू क्लास चल रहा है, कभी कभी डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास नहीं हो पाती है, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू क्लास लें। आपका टाइमिंग है 8 से 9। अब देखिए हम लोग इसमें आइसोमेरिज्म आपने कभी ना कभी पढ़े हैं, क्लास 11 के अंदर में आप वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखे होंगे, आप वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टर्म सीखे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो सीखने वाले हैं, तो कहता है उप सहसंयोजक यौगिक में सम्यवयता, इसका इंग्लिश होता है आइसोमेरिज्म। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, आइसोमेरिज्म। ये जो टर्म आया था सम्यवयता का, इसलिए क्योंकि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसका एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दो या दो से अधिक होता है, तब इस तरह की घटना को आइसोमेरिज्म कहा गया है, सम्यवयता कहते हैं। क्लियर, यहाँ पर ऐसे डिफाइन किए हुआ है। देखिए तो आइसोमेरिज्म जो टर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक होता है आइसो प्लस मर्स से बना है। आइसो का मतलब क्या है, यहां देखिए आइसो का मतलब होता है बराबर, आइसो का मतलब क्या है, बराबर होता है, और मर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आणविक, आणविक सूत्र कहते हैं या अणुसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका अणुसूत्र बराबर हो, आणविक सूत्र बराबर हो, तब इस तरह को आइसोमर्स कहा गया, और इस तरह की घटना दिखाने वालों को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर, ये आइसोमेरिज्म टर्म समझ में आया, ये दो टर्म से मिलकर बना है, पहला है आपको आइसो है और दूसरा मर्स है। आइसो का मतलब क्या होता है, ये बराबर होता है, इक्वल होता है, और मर्स का मतलब है जिसका आणविक सूत्र, मतलब कि अणुसूत्र होता है मर्स, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाए तब इस तरह की घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर आइए, लिखा हुआ है जब दो या अधिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र, यहाँ देखिए
रासायनिक सूत्र आपका केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला की बात हो रहा है। केमिकल फार्मूला समान होते हैं, इक्वल है आपका केमिकल फार्मूला समान होते हैं, परंतु संरचना सूत्र, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होते हैं इन यौगिकों को समवयवी, इसको कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है, समवयवी कहते हैं। तथा इस प्रकार की घटना को समवयता कहते हैं, मतलब ये आपका घटना जो घटती है इसी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया लाइन? आइसोमेरिज्म क्या है? तो कहता है कि जिसका रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन उसका रासायनिक संरचना अलग अलग अगर है तब इसको कहते हैं आइसोमर, और इस तरह की जो घटना दिखाएंगे उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। यह आपका आज की क्लास है, ये टर्म आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप नोट कर लीजिए, क्यों इससे अच्छा होगा कि हैंड नोट्स जो होता है ना अपना बहुत मस्त होता है, इसलिए खुद से लिखिए। ये मेरा सजेशन रहेगा कि लिखने का प्रयास कीजिए। ये सभी को क्लियर है आइसोमेरिज्म टर्म? ये क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हम लोग आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं। अगर हमें एक जनरल आइसोमेरिज्म को समझाने का प्रयास करें उदाहरण के तौर पर, तो देखिए हम लोग एक आइसोमेरिज्म टर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला C2H6O, एक केमिकल फार्मूला लिख दिए हैं, यह आपका C2H6O लिखा हुआ है। अब क्या करना है कि इसमें आइसोमेरिज्म को दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस केमिकल फार्मूला से दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इधर और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इधर, दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए अगर दो कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं, कार्बन टू कार्बन हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ा है, जोड़ दी, और हमारे पास छः हाइड्रोजन है तो हम छः हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर तीन लगा दिए और यहाँ पर हमने दो लगा दिए और यहाँ पर एक लगा दिए। ये बताइए इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप जो है इसका क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है इसका क्या नाम है, मतलब इस किस ग्रुप का कंपाउंड है, ये बताइए आप लोग कमेंट करके। देखते हैं कौन कौन इनका सही जवाब देते हैं। इस ग्रुप का क्या नाम है, हेलो अमित, और सब ठीक है? चलिए इनका नाम बताइए, नाम बताना स्टार्ट कीजिए, इस ग्रुप का क्या नाम है। तो देखिए इस ग्रुप का नाम है एल्कोहल, एल्कोहल है, ठीक है। तो एक इस फॉर्मूला से हमने क्या किया, एक एल्कोहल ग्रुप बना दिए, एक एल्कोहल का कोई यौगिक बना के हमने तैयार किए। दूसरा इसी फार्मूला से, यह आपके पास है फार्मूला है, इसी फार्मूला से दूसरे ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह आपका इस तरह से जोड़ दिए, ठीक है, और क्या कर दिए कि हाइड्रोजन को कार्बन के बैलेंस करने के लिए तीन हाइड्रोजन इधर लगा दिए और तीन हाइड्रोजन को इधर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर एक अलग से फंक्शन ग्रुप आ गया, और ये जब यौगिक बना तो ये आपका ईथर ग्रुप कहलाएगा, इसलिए ईथर के यौगिक हैं।
यहाँ पर ही एल्कोहल की यौगिक है और यहाँ पर ही इथर की यौगिक है। तो देखिए तो दोनों का केमिकल फार्मूला तो सेम है, यहाँ पर देखिए दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन देखिए तो दोनों का क्या लिखा गया संरचना सूत्र जो है, स्ट्रक्चर जो है, क्या सेम है? क्या लगता है आपको कि दोनों सेम है? ये एक एल्कोहल ग्रुप का है और एक आपका इथर ग्रुप का है, तो दोनों अलग अलग के यौगिक है लेकिन एक ही आपका सूत्र से बना है। तो इस प्रकार की घटनाओं को दिखाने के लिए हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ये जो एग्जांपल है ऑर्गेनिक में आप इस तरह से पढ़े हैं, लेकिन यही चीज़ इसी तरह से हम लोग फंक्शन को हम लोग इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन में सीखेंगे। ये बात क्लियर हो गया कि आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? अगर क्लियर है तो सब कमेंट करके बताइए। चलिए सबको क्लियर है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर हाँ आइए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या है कि जो समीवता के प्रकार हम लोग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हम लोग समीवता के प्रकार की बात करते हैं तो मोटे तौर पर दो ब्रांच में तोड़ देते हैं, इसको दो शाखा बनाते हैं। एक शाखा देखिए यहाँ से आपका इधर की तरफ है और एक शाखा इधर से इधर है, दो ब्रांच में तोड़ दिए। पहला जो ब्रांच है इसको संरचना आइसोमेरता कहते हैं और इसको कहते हैं त्रिविम। संरचनात्मक का मतलब हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सॉरी यहाँ पर स्टीरियो कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो ब्रांच में तोड़ दिए हमने समीवता को, दो ब्रांच बना दिए, एक है संरचना के आधार पर और एक स्टीरियो जिसको कहते हैं त्रिविम के आधार पर, ये दो ब्रांच में टूट गया। अब आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह संकुल यौगिक है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। वह संकुल यौगिक जिसमें अणुसूत्र यानी केमिकल फार्मूला की बात हो रही है समान होते हैं, परंतु इनके संरचना सूत्र, इनकी स्ट्रक्चरल अगर हम बात करेंगे सूत्र की, तो भिन्न भिन्न होते हैं। इस घटना को संरचनात्मक समीवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा, मतलब जिनकी केमिकल फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अगर अलग है तब ही कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये क्लियर हो गया, ये आपका ये क्लियर हुआ। जो पहले एग्जांपल देखे वो भी एक तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही प्रकार था। यहाँ पर भी कहता है कि अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा? अलग अलग होगा, तब इसको कहेंगे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब आइए हम दूसरे बात करते हैं, एस्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, त्रिविम समीवता की बात करते हैं, इसमें है क्या? अब देखिए त्रिविम का मतलब है, इस टर्म का मतलब है कि स्पेस में, याद रखिएगा स्पेस में की बात करते हैं, जो कि आपका स्पेस 3D होता है,
स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी दिक्कत होती है वो आपका स्पेस को लेकर, यहाँ आपका केमिकल फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, किसी भी स्पेस में ओरिएंटेशन दी के विन्यास अलग अलग होते हैं। आइए क्या कहता है, जब दो या अधिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, यहाँ पर भी केमिकल फार्मूला सेम है, परंतु उनकी द्विकीय विन्यास, इसको कहते हैं इंग्लिश में ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन के मतलब है कि अगर आपके पास 3D है, अब जानते हैं 3D क्या होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई और एक होता है जेड। मान लो कि एक्स है, ये आपका वाई है और ये जेड है, ठीक है, तो एक एक ग्रुप एक्स में लगा हो, मान लो कि एक ग्रुप यहाँ पर कोई ग्रुप है जो एक्स में लगा है और एक लग गया आपका वाई में, एक स्ट्रक्चर में ऐसा शो कर रहा है कि एक ग्रुप है एक्स की तरफ और एक ग्रुप है वाई की तरफ, लेकिन अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करके हम बना सकते हैं जो एक्स को वाई, वाई को एक्स या एक्स को जेड, तब इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं त्रिविमीय सम्यवता। आइए इसको और डिटेल में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत ही ऑर्गेनिक ही मॉलिक्यूल लेते हैं और आसान तरीके से समझाने के प्रयास करते हैं। आइए, आपने मीथेन के नाम सुने होंगे, जिसका केमिकल फार्मूला है CH4, मीथेन का। अगर हम लोग 3D को समझना चाहते हैं तो मीथेन सबसे सिंपल यौगिक है जिसको आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए, मीथेन में चार बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ में चार बॉन्ड है, तो क्या करते हैं, चार बॉन्ड में दो बॉन्ड को हम बोर्ड पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जो आपका प्लेन होता है, प्लेन, इसमें आपका एक साइड हो गया लेंथ हो गया और दूसरा हो गया आपका बेस, ये दो चीज होता है, मतलब ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया। बोर्ड को इसी को ना कर रहे हैं प्लेन, कि इसमें एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, ठीक है, ये आपका हो गया आपका प्लेन। तो अगर हम दो प्लेन को दिखाने के लिए दो लाइन यूज कर दिए, ए लाइन हम यूज कर दिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने दिखा दिए, ये आपका दो लाइन से, लेकिन अभी भी दो हाइड्रोजन मेरे पास है, तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि 3D बनाना पिक्चर है, तो क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को हम लोग सॉलिड लाइन से, इसको कहते हैं सॉलिड, ये लाइन जो होता है सॉलिड लाइन है, ये आपका हाइड्रोजन सॉलिड लाइन पर हो जाता है और एक हाइड्रोजन को हम दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन को ब्रोकन लाइन से, या इसको हम डैश लाइन भी कहते हैं, एक हाइड्रोजन को हमने डैश लाइन से दिखाए हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लो कि एक प्लेन है, जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं एक पेपर से, देखो मान लो कि ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, कि आपका एक प्लेन है, आप कोई पेपर लिए हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक प्लेन है, क्योंकि इसमें एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा, दो चीज होगा। अब क्या करते हैं, इस प्लेन के ऊपर में एक हाइड्रोजन को जोड़े हैं, जिसको हम लोग इस डैश लाइन से दर्शा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको प्लेन के ऊपर है और ये जो चीज है आपका प्लेन के नीचे होंगे, ये जो चीज है ये प्लेन के नीचे है, ठीक है, तो एक प्लेन के ऊपर बना दिए और एक प्लेन के नीचे बना दिए, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको 3D में दिखा दिए। हमने आपके पास तो दो प्लेन है,
एक लंबाई का है, एक चौड़ाई का है, लेकिन हम क्या किए कि एक प्लेन ऊपर बना दिए, मतलब एक ऊपर जोड़ दिए हाइड्रोजन और एक जोड़ दिए नीचे। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम एक सॉलिड लाइन यूज किए और एक ब्रोकन लाइन यूज किए। तब इस तरह के हम सम्यवता को कहते हैं, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला तो सेम होगा लेकिन इसकी जो ओरिएंटेशन है दिक विन्यास से वो अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इस तरह के त्रिविमीयम को स्ट्रियो को समझाने के प्रयास करते हैं कि ये आपका एक प्लेन के ऊपर में होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर है तो बताइए हमें। चलिए, तो ये दो क्लासिफिकेशन हम लोग मोटे तौर पर किए हैं। एक का नाम क्या है? एक का आपका नाम है, देखिए इसका एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा हो जाएगा स्टीरियो। स्टीरियो के समझे किस प्रकार से हम लोग अलग किए। अब आइए हम लोग एक एक करके दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ जाएं तो इसका भी और क्लासिफिकेशन किया गया है, अदर प्रकार बनाया गया है, जो कि अगले हम लोग पेज पर पढ़ सकते हैं। आइए यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इतने पार्ट में हम लोग अलग किए हैं। आपकी सिलेबस के अनुसार आपको इतने पार्ट पढ़ना है एनसीईआरटी में, ठीक है? आपकी एनसीईआरटी में यह आपको पढ़ना है, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, अब इसको क्या किया गया कि ए पार्ट में अलग किया है। सबसे पहले बंधनी सम्यवता, इसको कहते हैं लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तीसरा हो जाएगा हाइड्रेट या सॉल्वेंट कहते हैं इसको, हाइड्रेट या इसका दूसरा नाम अगर विलायक की यूज है तो सॉल्वेंट भी कहते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है? आइसोमेरिज्म हो गया आपका। और लास्ट में है आयोनाइजेशन, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आगे हम लोग क्लासिफिकेशन किए। सबसे पहला है बंधनी, दूसरा है उपसंयोजन जिसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, इसके बाद है हाइड्रेट है, इसके बाद है आयनन। इन पार्टों में हम लोग अलग कर दिए। अब इन पार्टों में सबका अलग अलग से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म सबसे फर्स्ट में है, इसको डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ को आप नोट करते चलिए। आज सबको क्लियर है? ओके ओके, सबका क्लियर है। इसको नोट करते चलिए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका लिंकेज, सबसे पहले है आपका लिंकेज सम्यवता। ये जो बंधनी सम्यवता जो है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ये देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। बंधनी यानी लिंकेज, लिंक जो मेटल के साथ लिंगे लिगेंड का जो लिंकेज है उसके बारे में कहना है।
तो याद रखिएगा, इस प्रकार की जो एस्मोरिज्म होता है वो आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण होता है। क्या हम यूज किए हैं शब्द एम्बीडेंटेड लिगेंड? हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में जानते हैं, एम्बीडेंटेड के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? ये ऐसा लिगेंड होता है जिसके पास दो या दो से अधिक एटम के पास डोनर साइट है, ठीक है, और इनमें से कोई एक ही डोनर से मेटल को बॉन्ड बनाता है। जैसे हम लोग देखे थे ACN फिर NO2, ये दो तरह की एग्जाम्पल देखे थे एम्बीडेंटेड में। वहाँ पर हमने देखा कि ये जो सल्फर है एक बार ये बॉन्ड बना रहा था मेटल के साथ में, और या कभी नाइट्रोजन मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहा था। ये हम लोग देखे थे एम्बीडेंटेड में। उसी प्रकार से आपने देखा कि नाइट्रोजन यहाँ पर काम कर रहा था, और इसी में आपने देखा कि एक साइड से ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना रहा था। तब इस तरह के हम लोग लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, और ये सब के सब मोनोडेंटेड होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड एक प्रकार के मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब आइए, जब हम लोग बंधनी की बात करते हैं तो यह लिगेंड के कारण ये जो समीवता बनते हैं, इसलिए इसको बंधनी में इम्पोर्टेंस है एम्बीडेंटेड लिगेंड का। सबसे पहले आइए डिफिनेशन की बात करते हैं। यह समीवता संकुल यौगिकों में उभयदंती, देखिए उभयदंती, इसका इंग्लिश होता है एम्बीडेंटेड। उभयदंती का मतलब है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात कर रही है, लिगेंड की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। कहता है कि ऐसा समीवता जो उभयदंती के कारण अगर समीवता उत्पन्न होती है तब कहते हैं इसको बंधनी समीवता। क्लियर? लिंकेज आइसोमरिज्म इसको कहते हैं। और किसके कारण हो रहा है? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण हो रहा है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझाया गया है। यहाँ देखिए आपका केंद्रीय धातु जो है क्रोमियम है, और यहाँ पर एक एमीन ग्रुप है, और एक और ग्रुप जुड़े हैं NO2 ग्रुप। आप जानते हैं एमीन एक मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, लेकिन NO2 का ऐसा लिगेंड है तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जिसको कहते हैं उभयदंती। ये एक प्रकार के उभयदंती लिगेंड है। अब क्या हुआ कि इस लिगेंड का अभी क्या है कि इस मेटल के साथ में, याद रखिए CR के साथ में NO2 साइट से, मतलब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके बंधन बना लिया। इस साइट में ये समझाने के प्रयास किया कि जो नाइट्रोजन है वो केंद्रीय धातु के साथ बंधन बनाया है। लेकिन इसी का दूसरा फेस में देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन जगह ले लिया। ये जो नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर CO के साथ में, यहाँ पर CO के साथ में इस ऑक्सीजन के द्वारा इसके साथ बंधन बना रहा है। इस केंद्रीय धातु के ये जो कार्बोनेट आपको कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के साथ में ये आपका नाइट्रोजन बंधन बना रहा है। एक में बना रहा है नाइट्रोजन और एक बना रहा है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार के लिगेंड को, इस प्रकार के लिगेंड को उभयदंती कहते हैं। और इस प्रकार की जो समीवता उत्पन्न हो रहा है तब इस प्रकार की समीवता को हम लोग बंधनी समीवता का लिंकेज आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। पहला दम क्लियर हो गया? पहला बंधनी समीवता क्लियर है या नहीं? अब क्लियर है तो हमें बताइए। गुड, सौरभ कह रहे हैं कि 100% क्लियर है। इसी प्रकार से आपका लाइक और कमेंट्स आते रहना चाहिए। और किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत? अगर सभी को क्लियर है तो हम लोग दूसरे टाइप्स पर चलेंगे। एक बार हमें बताइए कमेंट करके।
ओके। आइए अब दूसरा है आपका, दूसरे प्रकार के सम्यवता की बात करते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है आपका है, ठीक है। उपेशा संयोजन सम्यवता, उपेशा संयोजन सम्यवता की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन, अब देखिए तो कोऑर्डिनेशन किसका चिन्ह होता है, तो आप जानते हैं कि केंद्रीय धातु का कोऑर्डिनेशन चिन्ह होता है, ठीक है। तो आइए कहता है यह सम्यवता धनात्मक है, मतलब केंद्रीय धातु आपका धनात्मक होता है, केंद्रीय धातु क्या होता है, धनात्मक होता है, तथा ऋणात्मक है आपका जो बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो आपका ऋणायन होता है, जिसको हम लोग आयन कहते थे। तो ये दोनों उपेशा संयोजन यौगिक के मध्य लिगेंड के अंतः परिवर्तन के कारण, देखो किसके कारण हो रहा है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसके बीच में हो रहा, एक तो आपका कोऑर्डिनेशन जो बनाने वाला है जो धनात्मक है उसके साथ में, और एक ये ऋणात्मक है जो आयनन के बीच में क्या हो रहा है कि लिगेंड के अंतः परिवर्तन इंटरनल एक्सचेंज के वजह से, इंटरनल एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है, ये अंतः परिवर्तन के कारण होता है, तब इस प्रकार की सम्यवता को उपेशा संयोजन सम्यवता के नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं, यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहां पर जो केंद्रीय है धातु, ये जो केंद्रीय धातु है, ठीक है, यहां जो केंद्रीय धातु है अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक जीरो लिग है, ये आपका उदासीन है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहां पर एक लिगेंड है, दूसरा देखिए यहां पर एक केंद्रीय धातु है और यहां पर एक लिगेंड है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा कि अगला में क्या होगा कि ये जो आपका केंद्रीय धातु है इस लिगेंड के साथ जुड़ जाएगा, देखिए जो का स्ट्रक्चर यहां बना के दिखाया है, यहां देखिए ये जो है इस लिगेंड के साथ, क्योंकि लिगेंड का इंटरनल एक्सचेंज हो रहा है, अंतः परिवर्तन हो रहा है लिगेंड का, तो लिगेंड का परिवर्तन कर देते हैं, ये धनायन के साथ में आपका और ऋणायन जो लिगेंड के साथ में करवाते हैं। दूसरा जो ए जो आपका है यहाँ पर क्रोमियम दिखाई दे रहा है, देखिए तो किसके साथ में चेंज हो रहा है, तो देखिए तो यहाँ पर एमीन के साथ में जुड़ गया, पहले किसके साथ में था, साइनो के साथ में था, क्रोमियम पहले साइनो के साथ में था, अब किसके साथ चला गया, एमीन के साथ में चला गया, तब इस तरह की जो आइसोमेरिज्म उत्पन्न हो रहा है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ओके क्लियर है ना। अगर हम इसके ऊपर धनायन की मान देखें तो देखिए धनायन का मान देखिए, यहां पर इस उदासीन लिगेंड है, ये आपका उदासीन लिगेंड है और यहाँ पर एक ऋणायन लिगेंड है, तो ये लिगेंड एक ऋणायन है और एक उदासीन के भी है, लेकिन केंद्रीय धातु यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ से यहाँ चल जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होगा ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये दो प्रकार की आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया, सबसे पहले पढ़े हम लोग बंधनी और दूसरा उसके बाद पढ़ें उपेशा संयोजन, ये दोनों आइसोमेरिज्म आपको क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए अब आपके पास हम लोग तीसरी की तरफ चलते हैं, आइए यहां पर आपका दिया हुआ है
विलायक योजन या हाइड्रेट यानी सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम। देखिए इसमें हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट लिखा है इसका मतलब जल अणु की बात हो रहा है। जो जल अणु है इसकी संख्या में अंतर देखने को मिलेगा। इस प्रकार के जो आइसोमेरिज्म होता है तो इसके जल अणु जो है ना इसके संख्या में आपको अंतर देखने को मिलेगा, तब हम इसको कहते हैं इस प्रकार के जो उत्पन्न होता है सम्यवता, इसी को कहते हैं हाइड्रेट सम्यवता। मतलब कि आपको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के कारण है जल अणु, इसलिए इसको हाइड्रेट कहते हैं। क्लियर। आइए क्या कहता है परिभाषा, जब जल विलायक के रूप में, जल किसके रूप में हो तो कहता है जल विलायक रूप में, विलायक जल किसके रूप में हो, जल विलायक के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, जल विलायक रूप में अगर होते हैं प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की सम्यवता को विलायक योजन अथवा हाइड्रेट सम्यवता कहते हैं। मतलब कि जल आपके किस रूप में होना चाहिए, विलायक रूप में होना चाहिए। विलायक जानते हैं टर्म, विलायक का मतलब है जिसमें घुलना, जिसमें घुलना। कोई चीज किसी में अगर डिजोल्व होता है, कोई चीज किसी में डिजोल्व होता है तो जिस चीज में डिजोल्व हो रहा है उस चीज को विलायक कहते हैं। जैसे आपने देखा कि जल के अंदर, जल के अंदर चीनी को डाल रहे हैं, जल के अंदर किसको डाल रहे हैं, चीनी के, तो चीनी आपका विलेय हो गया और जल आपका विलायक हो गया। ये छोटा टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं बार बार, विलायक। ऐसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये टर्म बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये टर्म के बारे में। तो आइए हम लोग उन सारे टर्म को छोड़ देते हैं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, चलिए आई। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझते हैं, डिफाइन तो कर दिए हैं लेकिन उदाहरण हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों समझाया हुआ है, अब सिर्फ देखना है। यहाँ पर देखिए तो केंद्रीय धातु क्रोमियम है, यहाँ पर जल अणु है, इसके संख्या 6 है, यहाँ पर जल की संख्या 6 है, ठीक है, और बाहर में एक आयन है जिसकी संख्या 3 है। ये ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए केंद्रीय धातु क्रोमियम है, जल के अणु 6 है और यहाँ पर आयन जो है जो क्लोराइड है यहाँ पर आपका संख्या में 3 है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर जब बनाए हम, इसी स्ट्रक्चर से जब हम दूसरे स्ट्रक्चर तैयार किए तो देखिए तो जैसा था क्रोमियम वैसा है, कोई बदलाव नहीं हुआ। जल की अणु यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ही देखो, ये जल के अणु क्या हो गया, 6 की जगह यहाँ पहले 6 था, कितना था, 6 संख्या में था, जबकि यहाँ देखो 5 हो गया। मतलब इनमें से एक जल अणु हट गया है और कौन आ गया है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन की संख्या पहले से 3 है, अब अंदर में देखो यहाँ पर एक आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2। ये जो क्लोराइड है यहाँ पर संख्या 2 के रूप में हो गया, ये आपका क्लोराइड एक अंदर चला गया, तो एक्सचेंज हो गया, हाइड्राइड क्या हुआ वहाँ से निकल गया और बाहर चला गया। तब इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होता है इसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल्स है, आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है क्योंकि आप जब भी एग्जाम में दीजिएगा तो आपको आता है कि अगर आइसोमेरिज्म के प्रकार बताना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के में आपको बताना है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जब तो डिफाइन तो कर लेते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कम से कम एक एग्जाम्पल दिमाग में होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आप लिख सके उसको समझा सके, दिए हुए सवाल को आसानी से पढ़कर और उसका जवाब दे सके। क्लियर। इसलिए आपको एक एक जो एग्जाम्पल बताए हैं उसको याद रखना है।
कि किस प्रकार से ये एग्जाम्पल बन रहे हैं। ये क्लियर है? डेविल मौर्या, हाय, आप लेट से ज्वाइन किए हैं। सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो हम लोग एक और जो बच गया है लास्ट, आपको आयनन क्या बचा हुआ लास्ट में, आयनन आइसोमेरिज्म, हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। सब आप कमेंट कर लीजिए कि यहाँ तक क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग जो लास्ट जो है ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए आपका जो लास्ट है, आइए आयनन ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, आयनन सेमेवता की बात करते हैं। तो देखिए ये आपको आयनन कह रहा है, आयन आप जानते हैं कहाँ बन रहा था, एक कोऑर्डिनेशन ऑफ स्फीयर था, इसके बाहर जो बनते हैं ये आयनन है, ये तो आपका आयन है। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक लिगेंड होगा, यहाँ एक मेटल होता है, ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है। अब क्या होगा कि एक लिगेंड यहाँ से निकल के इस आयन के रूप में चला जाएगा और ये आयन जो है लिगेंड के रूप में हो जाएगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से लिगेंड निकलकर आयन बन जाते हैं और आयन जो है लिगेंड बन जाएंगे, तब इस प्रकार की जो सेमेवता होगा उसको कहेंगे आयनन सेमेवता। आयोनिजेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर यह फंक्शन होगा, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक लिगेंड जो है आयन बन जाएगा और जो आयन है वो लिगेंड के रूप में बन जाएगा। तब इस प्रकार की जो भी सॉरी सेमेवता होगा, आइसोमेरिज्म जो होगा उसको कहेंगे आयनन सेमेवता। तो लिखेंगे वैसा सेमेवता जिसमें आयन और लिगेंड के बीच परिवर्तन के कारण सेमेवता उत्पन्न होती है। उसे आयनन सेमेवता कहते हैं। ठीक है,
ये आप लिख लिए। इसमें सिर्फ ये होगा आपका कि जो एक आपका लिगेंड होगा और एक आयन होगा वो इंटरचेंज कर जाएगा। देखिए आइए एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, आइए एग्जांपल की बात करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर आपको वाल्ड रखते हैं, यहाँ पर एक एमिल लेते हैं और ये आपका पाँच हो गया संख्या में, और यहाँ पर एक क्लोरीन लिए हैं, ठीक है। अब बाहर में एक आयन हमने ले लिया सल्फेट, हमने एक सल्फेट आयन लिए हैं, एक तो बनेंगे, ये आपको दिया हुआ। अब क्या हुआ, इसी का आइसोमेरिज्म बनाना है, तो आइसोमेरिज्म अगर इसका बनाना है तो कहते हैं कि एक लिगेंड जो है और ये जो आयन है आपस में इंटरचेंज कर लेगा पोजीशन, ये चला जाएगा बाहर में और जो बाहर है वो आ जाएगा अंदर में। मतलब इसका दूसरा पार्ट क्या बनेगा, एक तो पार्ट ये आपका है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा पार्ट क्या बनेगा, जैसा है इधर वैसा ही लिखेंगे, सी ओ एमीन की संख्या जितना है वो हम लिख दिए। अब क्या हुआ कि बाहर में जो चीज़ था वो आ जाएगा अंदर में, मतलब एसओ फोर आ गया आपका अंदर में, एसओ फोर आ गया आपका अंदर में, इसको सही से लिख लेते हैं, एसओ फोर आ गया अंदर में और बाहर में चल गया सीएल। ये जो क्लोरो है बन गया क्लोराइड और इस सल्फेट था बन गया सल्फेटो। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म जो शो कर रहा है दोनों, यह कहलाएगा आयनन आइसोमेरिज्म। ये दोनों आइसोमेरिज्म कहलाते हैं आयनन आइसोमेरिज्म। यह था आपका टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार और उनकी एग्जांपल्स हमने देखा। पूरी तरह से आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब एक पार्ट जो है आइसोमेरिज्म का हमने क्लियर कर दिए। अब दूसरा पार्ट है स्टीरियो, जो कि हम लोग अगले क्लास में मतलब कि कल की क्लास में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग पीडीएफ ला कर आपको समझाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। जो क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होता है और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और अक्षर को प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने क्या किया कि पीडीएफ ला दिए। तो आज यहाँ पर क्लास हम रहने देते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना लास्ट वाला? बताइए सबको क्लियर है? ठीक है, तो रहने देते हैं, ओके।